हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोकेमिस्ट्री गाइड। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फ्रेट फ्लोरेसेंस रेजोनेंस और फोस्टर एनर्जी ट्रांसफर। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर दो मैग्नेट्स को हम एक पास रख देते हैं, एक मतलब क्लोज रखते हैं, तो दोनों में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख सकते हैं। उसी तरह फ्लोरेसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर दो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को हम एक पास में रखते हैं, मतलब एक रेंज होती है उन दोनों के पास में रखने की, उस रेंज में अगर हम उसे रख देते हैं तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे एक्सेप्टर और डोनर वाला थ्योरी चलता है। तो जो डोनर होता है उसका जो फ्लोरेसेंस एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेप्टर और वो फ्लोरेसेंस शो करता है, और डोनर जो मॉलिक्यूल है वो फ्लोरेसेंस शो नहीं करता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सिमिलरली टू हाउ टू मैग्नेट्स विल ओनली अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन दे आर क्लोज इनफ। फ्लोरेसेंट एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर बिटवीन फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल इफ दे आर इन एक्सट्रीमली क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो मैग्नेट में जैसे अगर हम पास में रखते हैं तो उसमें हम एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, उसी तरह अगर हमारा जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स है वो भी दूसरे के पास रहता है तो उसमें हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखते हैं, और हमारा जो एक्सेप्टर होता है वो फ्लोरेसेंस शो करता है। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्लोरेसेंट फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर व्हिच इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर टू फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल आर विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ वन अनदर। It was proposed by Theodor Foster in 1946 and confirmed experimentally by Stryer and Hoagland in 1967. Fred takes advantage of a principle of energy transfer between the donor and acceptor fluorophore molecule, which only occur once the molecules are within a certain distance of each other. तो फ्रेट में क्या होता है, डोनर और एक्सेप्टर फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही रखना होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है और उससे हमें फ्लोरेसेंस दिखता है इन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में। नाउ प्रिंसिपल ऑफ फ्रेट एज अ जेब्लॉन्स्की डायग्राम। तो अब हम लोग जो फ्रेट की प्रिंसिपल है उसे जेब्लॉन्स्की डायग्राम से समझेंगे। तो इसमें दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहला डोनर और दूसरा एक्सेप्टर। तो द डोनर फ्लोरोफोर एब्जॉर्ब फोटोन एंड जम्प फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होता है, डोनर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो फोटॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोटॉन्स है डोनर मॉलिक्यूल के वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब कर रही है और ग्राउंड स्टेट से ट्रांसफर हो जा रही है एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट ये एस जीरो है और एक्साइटेड स्टेट जो है वो एस वन है। तो ये ट्रांसफर हो गई है absorbed by the absorption of energy from ground state to excited state and emits fluorescence। जब वो जैसे कि नॉर्मली होता है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है तो फिर वहाँ से बैक होती है, जब वहाँ एक्साइटेड स्टेट से फिर जब रिटर्न होती है ग्राउंड स्टेट में तो ये एक एनर्जी एमिट करती है जो कि हमें फ्लोरेसेंस के फॉर्म में दिखती है। ये जनरली होता है, बट इन जो फ्रेट का केस है उस केस में क्या होता है, ये एनर्जी जो बैक हो रही है एमिट हो रही है वो एनर्जी फ्लोरेसेंस के फॉर्म में ना दिख के ये एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है इसके एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में। अगर इसके आसपास में मतलब जो रेंज होती है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज क्या होती है, वो रेंज के पास में अगर कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा एक्सेप्टर तो ये ट्रांसफर हो जाती है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में और इसमें फ्लोरेसेंस की प्रोसेस नहीं होती है, हमें फ्लोरेसेंस नहीं दिखेगा तो ये ट्रांसफर हो जाती है। द एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर इन फ्रेट इंस्टेड ऑफ एमिटिंग, यहाँ एमिट नहीं होके वो ट्रांसफर हो जा रही है। द डोनर एनर्जी इज ट्रांसफर एंड एब्जॉर्ब बाय द एक्सेप्टर फ्लोरोफोर, जो एक्सेप्टर फ्लोरोफोर है वो उसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है विच बिकम एक्साइटेड एंड एमिट फ्लोरेसेंस इन टर्न। तो क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सेप्टर के फोटॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ट्रांसमिट करते हैं, वो एमिट करते हैं फ्लोरेसेंस को जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आते हैं। तो इस पूरे प्रिंसिपल क्या है कि जो डोनर मॉलिक्यूल है वो फ्लोरेसेंस ना करके उसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर दे रहा है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में, और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वहाँ पे जो एक्सेप्टर फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल है वो एमिट कर रहा है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड,
वी विल सी वॉट आर द थ्री रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड इन ऑर्डर फॉर फ्रेट टू अकर सक्सेसफुली। तो फ्रेट को मतलब करने के लिए, जो फ्रेट टेक्निक है उसे होने के लिए क्या तीन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती है इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले द टू फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा सो दैट एनर्जी फ्रॉम वन कैन एक्साइट द अदर। द क्लासिकल एग्जाम्पल यूजेस अ साइन फ्लोरोसेंट प्रोटीन CFP एंड अ येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन YFP। As CFP emission is close enough to the spectra of light to excite the YFP enabling FRET। तो अभी तक हम लोग ने ये देखा कि FRET जो होता है उसमें एक डोनर होता है और दूसरा एक्सेप्टर होता है, और डोनर जो लाइट एक्साइट होता है और उसके बाद एमिट करता है, वो एमिशन वाली एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय एक्सेप्टर। तो इसमें इसमें ये लाइन ये कहती है कि दोनों को, दोनों का जो स्पेक्ट्रा बनता है, डोनर के एमिशन और एक्सेप्टर का एक्साइटेशन, दोनों का जो स्पेक्ट्रा वो एक दूसरे में ओवरलैप होना चाहिए, तभी तो जो डोनर एमिट करेगा वो एब्जॉर्ब कर पाएगा एक्सेप्टर। तो इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रा है इस डोनर के एमिशन का और ये जो स्पेक्ट्रा है एक्सेप्टर के एक्साइटेशन का, ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हमारा फ्रेट नहीं होगा। और यहाँ पे डोनर का जो एमिशन का स्पेक्ट्रा है और एक्सेप्टर के एक्साइटेशन का स्पेक्ट्रा, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इस ओवरलैप के कारण यहाँ पे फ्रेट होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द टू फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी विद इन 10 नैनोमीटर ऑफ ईच अदर और देयर विल बी नो एनर्जी ट्रांसफर। दिस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ फ्रेट एज इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टूगेदर सर्टन मॉलिक्यूल आर। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था कि दो मॉलिक्यूल्स को हमेशा एक रेंज में रहना चाहिए, वो रेंज कितना होता है, वो रेंज अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर का होता है। तो 10 नैनोमीटर के अंदर ही अगर कोई मॉलिक्यूल्स, दो फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल्स अगर है तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी, अगर इससे ज़्यादा के डिस्टेंस पे है तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगी और वहाँ फ्रेट नहीं देखा जाएगा। इस डायग्राम में हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे CFP जो मॉलिक्यूल है वो YFP मॉलिक्यूल से ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर है, इसलिए यहाँ पे फ्रेट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो दोनों मॉलिक्यूल्स है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेस देन 10 नैनोमीटर है, इसलिए यहाँ पे फ्रेट आसानी से हो रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द टू फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी इन अ करेक्ट ओरिएंटेशन। दोनों का ओरिएंटेशन, दो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है जो हमारे डोनर है और एक्सेप्टर है, उन दोनों का ओरिएंटेशन वो करेक्ट होना चाहिए, नेमली नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। Only if the two fluorophores are parallel will they transfer energy between each other। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर तभी होगा जब दोनों CFP और YFP यानी कि हमारा डोनर और एक्सेप्टर मतलब दोनों फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, पैरेलल होंगे, तभी वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखा जाएगा। इस डायग्राम में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो CFP और YFP ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है, दूसरे 90 डिग्री पे रखा है, इसलिए यहाँ पे फ्रेट नहीं हो रहा है। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगी एनर्जी की और उसके बाद ये जो एमिट करेगा वो ये एब्जॉर्ब करेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा और एमिशन शो करेगा, एमिशन शो करेगा तो हमें कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, हमें ये ब्लू कलर ना दिखे येलो कलर दिखेगा, जो कलर हमें दिखेगा उससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे फ्रेट का प्रोसेस हुआ है और हमारा रिएक्शन जो हम देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पे वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है क्योंकि हमें कलर चेंज होते हुए दिख रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, जो CFP उसका एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल दिया CFP और YFP का प्रीवियस अपने स्लाइड में, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे CFP की एक्साइटेशन एनर्जी एमिशन एनर्जी क्या होती है, YFP की एक्साइटेशन एमिशन क्या होती है, और अगर दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे एब्जॉर्प्शन YFP करेगा या फिर नहीं करेगा। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा तो दो चैनल है, पहला CFP दूसरा YFP। CFP का जो एक्साइटेशन एनर्जी होता है वो 40 नैनोमीटर है और YFP का एक्साइटेशन एनर्जी 510 नैनोमीटर है, और एमिशन ऑफ CFP क्या होता है 480 नैनोमीटर होता है, और ये 480 नैनोमीटर काफ़ी क्लोज होता है इसके एक्साइटेशन एनर्जी के, यानी जो एमिशन एनर्जी अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि जो एमिशन एनर्जी हमारे
डोनर की होती है वही एनर्जी हमारे एक्सेप्टर की एक्साइटेशन एनर्जी होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये दोनों एनर्जी काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के, तो इसकी जो एमिशन एनर्जी होगी वो एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी वाई एफ पी की। ये हमारा एक्सेप्टर है और ये हमारा डोनर है, तो प्रोटीन ए सी एफ पी है जो कि हमारा डोनर है और प्रोटीन बी वाई एफ पी है जो कि हमारा एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर नो इंट्रैक्शन बिटवीन प्रोटीन ए और प्रोटीन बी यानी सी एफ पी और सी वाई एफ पी के बीच में अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। तो प्रोटीन ए और प्रोटीन बी यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसमें इंट्रैक्शन नहीं है, तो अगर यहाँ पे इसको एक्साइटेशन एनर्जी इसके अप्रॉक्स मिल रही है 440 या 430 के अप्रॉक्स मिल रही है तो ये एक्साइट हो जाएंगे और ये एमिट भी करेंगे। एमिट करेंगे इसकी रेंज आ जाएगी 4 नैनोमीटर, इसकी एनर्जी एमिट कर रहा है बट इसके ये जो इसका इंट्रैक्शन है ये इन दोनों के बीच में हो नहीं रहा है, तो इंट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर इस पे एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उसमें एक्साइटेशन नहीं होगी और हमें जो कलर हम सीन करना चाह रहे हैं हम देखना चाह रहे हैं वो कलर चेंज नहीं होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, हम जिस रिएक्शन को यहाँ पॉइंट कर रहे हैं वो रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो अगर यहाँ पे दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो जा रही है तो यहाँ पे जो एक्साइटेशन एनर्जी है सी एफ पी की बोलेगा, फिर उसके बाद ये एमिट करेगा 470 नैनोमीटर की एनर्जी और ये लेस देन 10 नैनोमीटर की रेंज में है इन दोनों के बीच में यानी इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इंट्रैक्शन होने के कारण ये जो वाई एफ पी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी उस एनर्जी को, तो ये फ्लोरेसेंस नहीं शो करेगा और ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेशन स्टेट में चल जाएगा और फ्लोरेसेंस की प्रोसेस को दिखाएगा, ये फ्लोरेसेंस को शो करेगा तो हमें कलर चेंज होते हुए अपने रिएक्शन का दिखेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन उस प्रोसेस में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर कैरेक्टराइजिंग डिस्टेंस डिपेंडेंट इंट्रैक्शन ऑन अ मॉलिकुलर स्केल। तो ये जो रिएक्शन है ये जो टेक्निक है फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर ये एक पावरफुल टेक्निक है जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है यानी डिस्टेंस जो हमारा रेंज है लेस देन 10 नैनोमीटर उस पे वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। अगर इस रेंज में अगर वो दो मॉलिक्यूल्स फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल नहीं है तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू टूल्स अवेलेबल दैट इज एबल टू मेजर इंटर मॉलिकुलर एंड इंट्रा मॉलिकुलर डिस्टेंस इंट्रैक्शन इन बोथ इन विवो एंड इन विट्रो। फ्रेट इन्वॉल्व द एक्साइटेशन ऑफ डोनर फ्लोरोफोर बाय इंसिडेंट लाइट विद इन इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस रेडिएटिव एब्जॉर्प्शन एलिवेट द डोनर फ्लोरोफोर टू अ हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट दैट वुड नॉर्मली डिके रेडिएटिवली विद अ कैरेक्टरिस्टिक एमिशन स्पेक्ट्रम। If another fluorophore molecule exits in proximity to the donor with its energy state characterizing by the absorption spectrum that overlaps the emission spectrum of the donor, then the possibility of non-radiative energy transfer between the donor and the acceptor exists. The overlap of the cyan fluorescent protein emission spectrum and the yellow fluorescent protein YFP absorption spectrum दिस पेयर सपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग फ्रेट इंट्रैक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यूज़ किया है सी एफ पी और वाई एफ पी दोनों की जो एक्साइटेशन एनर्जी है और एमिशन एनर्जी है वो एक दूसरे से पेयर करती है ओवरलैप करती है, जो इसका जो स्पेक्ट्रा बन रहा है वो ओवरलैप करती है, इसलिए यहाँ पे ये फ्रेट का फिनोमेना आसानी से हम देख सकते। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेट एप्लीकेशन। फ्रेट कैन बी अप्लाइड फॉर रिसेप्टर एंड लिगेंड इंट्रैक्शन। तो रिसेप्टर और लिगेंड में इंट्रैक्शन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं ये पता करने के लिए हम फ्रेट को यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनो को ऐसे करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है या फिर उसका कन्फर्मेशन क्या है उसको पता करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम PCR और SNP डिटेक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक होती है उसमें भी हम फ्रेट का यूज़ करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड जो एक मेम्ब्रेन पे लिपिड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। मेम्ब्रेन फ्यूजन एसेज में यूज़ करते हैं। इंडिकेटर फॉर साइक्लिक AMP तो बहुत सारे रिएक्शन में साइक्लिक AMP का यूज़ होता है, तो साइक्लिक AMP वहाँ पर फॉस्फोराइज होती है या फिर नहीं हो रही है ये सब पता करने के लिए हम फ्रेट का यूज़ करते हैं। So guys, if you enjoyed this video, please hit the like button. If you want to make a request, drop it down in the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hit the bell icon to get notified when a new video comes out. Thanks for watching.